कैसे आप सभी लोग आशा करते हैं स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। आइए हम फिजिक्स क्लास 12th के इस इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल में आपका स्वागत करते हैं। शीशे की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रगड़ने से या 500 इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, शीशे की छड़ पर आवेश ज्ञात कीजिए। अभी हम पहले लेसन के न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी होती तो हमारे इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या है? शीशे की छड़ को, जैसे ये हमारी मान लेते हैं शीशे की छड़ है और इसको रेशम से रगड़ दिया, ये रेशम है और ये शीशे की छड़ है, ठीक। तो शीशे की छड़ है और रेशम के टुकड़े पर रगड़ने से या 500 इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, खो देती है, कौन खो देती है? यानी शीशे की छड़, यानी 500 इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाते हैं? 500 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं रेशम पर, तो रेशम पर आएगा ऋणावेश और शीशे पर आएगा धनावेश। तो शीशे की छड़ पर आवेश ज्ञात करना, हमें शीशे की छड़ पर जो है आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कितने गए हुए हैं, 500 इलेक्ट्रॉन गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता। सूत्र लगाएंगे क्यू बराबर एन ई, सब बच्चों को याद है, एन का मान 500, ई का मान 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, दो जीरो हैं इसमें तो दो कम पड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 10^19 में से दो चले जाएंगे 17 कूलम, और 16 और 5 की गुणा करेंगे 16×5 = 80, एक अंक के बाद दसमलव लगाएंगे तो इतना कूलम का जो है आवेश आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। और ये प्रकृति कैसी होगी? तो इस पर होगा धनावेश। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत या समस्या है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।